राम राम सीताराम दोस्तों, राम राम। से मैंने आंवले काट लिए। पहले मैं आपको आंवले की रेसिपी बता रही हूँ, आंवले जूस की, कैसे फ्रेश आंवला कैसे निकालते हैं। ये मैंने 10 आंवले काटे हैं। वो आंवले का साइज मोटा था थोड़ा, तो इसलिए आपको ज़्यादा लग रहे होंगे। ये 10 आंवले काट लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेश आंवला कैसे, आंवले का जूस कैसे बनाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मिक्सी में 1 गिलास पानी डाल लिया है पहले, क्योंकि फिर नहीं तो अड़ जाता है इसमें आंवला। और पहले मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल लिया है, और अब मैं डालूँगी इसमें आंवले। इसको स्टार्ट करके पहले तब आंवले डालूँगी। इसमें पानी डाल चुकी हूँ मैं 1 गिलास। अब देखो मैं ये स्टार्ट कर दिया है पानी, और आंवला मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा। ये मैंने और आंवला डाल दिया इसमें। अब और डाला है आंवला, और देखो मैं जितना भी आंवला था इसमें डाल चुकी मैं सारा। और अब मैं 1 गिलास पानी और डालूंगी इसमें। अब इसमें मैं डालूंगी 1 गिलास पानी ये वाला, क्योंकि वो ज़्यादा थिक हो गया। उसमें मिक्सी चल नहीं रही थी ठीक से, और पानी डालना भी था क्योंकि 2 गिलास पानी था। ये मिक्सी चल रही है और बहुत बारीक हो जाएगा ये आंवला पीस के, एकदम जैसे आंवले को बिल्कुल धो देगा पानी मिक्सी में, और सारा इसमें आंवले का जूस निकल जाएगा। और देखो ये अभी चलाऊंगी मैं इसको 2-3 मिनट, और 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं, और बिल्कुल पिस जाएगा। ये पल्प इसका निकाल लूँगी अब मैं। अब इसको खोल के अलग हटा लूँगी मैं, मिक्सी से हटा लूँगी इसको, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। छानूंगी इसको, फिर कपड़े में छानूंगी इसको। और अब मैंने ले लिया एक कॉटन का कपड़ा, और इसमें ये मैंने पतली ये ले लिया पतीला, एक पतीला लिया है ये देखो फ्रेंड्स। और इसमें मैं इसको छान लूंगी, क्योंकि आंवला इतना बारीक हो चुका है, अगर हम इसको छलनी में छानेंगे तो फिर भी उसका पल्प उसमें थोड़ा सा निकल आता है। और अब मैं इसको इसमें रख के छान लूंगी। ये देखो ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी, ये सारा मैंने डाल दिया है। अब इसको क्या करूंगी मैं, ऐसे इसको उठाऊंगी और ये इसको दबा दबा के मैं निकाल लूंगी। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये निकाल लिया है, बिल्कुल एकदम पानी बन गया इसका, जरा भी इसमें कुछ नहीं है। और मैं आपको दिखाऊं ये इसका पल्प, ये देखो ऐसे निकल जाता है ये। आप चाहे तो उसको सुखा के मेहंदी में मिला सकते हो, कुछ भी कर मेहंदी में मिला लो। हम छोले बनाते हैं, सफ़ेद चना जो बनाते हैं उसमें काला करने के लिए उबालते टाइम इसको डाल लो, और इसका टेस्ट भी पता नहीं चलता है कि हमने आंवला डाला और काले हो जाते हैं। अब मैं डिब्बे में भर के रख दूंगी आंवले को। ये मैंने डाल दिया इसमें। और ये 1 गिलास मैं बना इसमें डाल लूंगी। ये देखो फ्रेश फ्रेश आंवले का जूस। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? और मैं यहाँ ठीक हूँ, आप सब भी ठीक ही होंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं बैठ गई हूँ अपना काम करके, आज जल्दी ख़त्म करके बैठ गई हूँ आपके पास, क्योंकि कल हमारे यहाँ क्या हुआ था कि जैसे ही हम लोग खाना वाना बनाने लगे तो IGL की सप्लाई बंद हो गई। IGL की सप्लाई बंद हो गई हमारे पूरे एरिया में, तो खाली बैठ गए। फिर लेट नाइट लाइट आई, चलो खैर कोई बात, लाइट नहीं सॉरी गैस आई। तो फिर हमने बाहर से खाना वाना मंगा के खा लिया। तो मैं कल बोल रही थी आपको कुछ वीडियो बना के दिखाऊंगी, तो मैं वो भी नहीं बना पाई जो कुकिंग करती हूँ मैं, तो खाली मुझे आधा अधूरा ब्लॉग ऐसे ही डालना पड़ा आज।
आज के व्लॉग में जो आएगा तो वो मेरा ऐसे ही है, जितना बना उतना ही मैंने सेंड कर दिया, पोस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स आज अब बताओ आप कैसे हैं, सब कुशल मंगल है ना, सब ठीक ठाक हो ना? हाँ बस यही चाहती हूँ मैं कि आप सब ठीक ठाक रहें, अच्छे से रहें। और फ्रेंड्स आज मैं आपको आज की व्लॉग में जो डालूँगी वो मैं कुछ बताऊँगी, यूनिक सा चीज़ है वो बताऊँगी, आप ज़रूर देखना उसको। और बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए भी है, बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं सब काम ख़त्म करके मैं बैठ गई हूँ आपके पास, और अब मैं अपना काम करती हूँ। बेटा चला गया ब्रेकफास्ट करके, लंच लेके सब चला गया, पति जी हैं अभी मेरे, वो देर से जाएंगे। हमारे लिए तो संडे मंडे सब बराबर है, बिजनेस मैन के लिए तो सब बराबर ही होता है, तो बिजनेस मैन के लिए तो छुट्टी वाले दिन ज़्यादा ही काम हो जाता है, तो कोई छुट्टी नहीं होती। और फ्रेंड्स अब मैं यहीं इस ब्लॉग को ब्रेक लेती हूँ, आपसे मुलाकात होगी मेरी, मिल होगी अभी फिर थोड़ी देर बाद, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मिलूँगी आपसे, ठीक है जी, बाय। ये देखो ये मेरे काम होते हैं, ये कपड़ों की मैंने पोटली बना दी है मेरी, इसको प्रेस के लिए भेजना है, बाकी कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं। अभी की बता रही हूँ, अभी मैंने बैठ के थोड़ा सा व्लॉग बनाया, उसके बाद मेरा ये काम शुरू हो गया, ये मैंने पोटली बना दी। और अंदर जो अलमारी में कपड़े हैं वो भी मुझे, जो बाहर पड़े हुए वो भी रखने हैं मुझे अलमारी में, सारा कुछ रखना है अभी। और जो है संभालने का वो संभालूंगी, थोड़ा किचन में काम करूँगी, किचन विचन का थोड़ा सा बस थोड़ा बहुत ही रहता है, वो भी मैं कर लूँगी, ठीक है जी, बाय। ठेकेदार को फोन कर दिया था जी, बोलो।